الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم जनाब सदर मोहतरम आज़ाद जम्मू कश्मीर के जमीयत उलमाए इस्लाम के तमाम जिम्मेदार साथियों मेरे बुजुर्गों भाइयों आपने जमीयत उलमाए इस्लाम आज़ाद कश्मीर की नई तंजीम साजी की है और तमाम अज़ला और डिवीज़नों और सूबे के अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान की जमीयत उलमाए इस्लाम ने कश्मीर में हमेशा यहां की जमीयत को अपना नुमाइंदा समझा है और आज भी मुझे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह हमारा माजी एक है उस तरह हमारा मुस्तकबल भी एक है। मेरे मोहतरम दोस्तों हज़रत मौलाना सईद यूसुफ साहब ने अपने गुफ्तगू में मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान के इमरान खान से शिकवा किया कि उन्होंने कोई सफारतकारी का फर्ज सरंजाम नहीं दिया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग एक कैटेगरी के होते हैं। तो आलमी सतह पर ट्रंप हमारा इमरान खान और इंडिया का मोदी ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ये तवक्को रखना कि वो उनका मुहासबा करेंगे ये तारीख के वो मुजरिम हैं कि जिन्होंने कश्मीर को इंडिया के हवाले किया और ये कश्मीर फरोश अब मगरमच्छ के आंसू भी बहा रहे हैं। तो फिर आप बताएं कि हम कश्मीर के गद्दारों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। कश्मीर पर हमारा मौकफ हमेशा बड़ा वाज़ेह रहा है।
लेकिन कुछ गलतियां हैं। जो रियासती सत्ता पर हमसे हुई, और आज जिन हालात में हम और आप बैठे हैं, जरा तजिया करें उसमें किस कदर मुमासलत है। हमारे यहां फाटा को दस्तूरी लिहाज से एक खुसूसी हैसियत हासिल थी, उसका अपना एक स्पेशल स्टेटस था। इंडिया में कश्मीर को एक खुसूसी हैसियत हासिल थी और हिंदुस्तान के आईन ने उसको ये खुसूसी हैसियत और स्पेशल स्टेटस दिया था। आर्टिकल 247 के तहत पाकिस्तान के आईन ने फाटा को खुसूसी हैसियत दी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत हिंदुस्तान की यूनियन ने कश्मीर को एक खुसूसी हैसियत दी। हमारे यहां फाटा में आईन की अमलदारी नहीं थी, वहां कश्मीर में इंडिया के आईन की अमलदारी नहीं थी। यहां पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात फाटा में नहीं थे, वहां हिंदुस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात कश्मीर में नहीं चलते थे। यहां पर सदर मुमलिकत गवर्नर खैबर पश्तूनख्वा की वसादत से फाटा के निजाम को चलाता था और वहां पर हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया कश्मीर की वजीर आला की वसादत से निजाम को चलाता था। सो ये हमने किया, वो उन्होंने किया। और दोनों को सरपरस्ती अमेरिका की हासिल थी। ये बैनुल अक्वामी 9/11 के बाद बैनुल अक्वामी कुव्वतों के दुनिया में जुग्राफियाई तब्दीलियों का नुक्ता आगाज है। अब हमारे पास एक ही उन्वान रह गया है कि कश्मीर भी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, हमें उस पर बात करनी चाहिए। इंसानी हुकूक का मसला हर जगह है, वहां पर है तो हमारे यहां भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम वहां पर रियासत को दहशतगर्द कहते हैं और यहां पाकिस्तान में कबायलियों को दहशतगर्द कहते हैं। इस सूरत हाल में इंसाफ कहां तलाश किया जाए, अपना रोना कहां रोया जाए, किसके सामने फरियाद रखी जाए, मैं किसके हाथ में अपना रहू तलाश करूं। वो कश्मीरी जो आने वाले मुस्तकबिल में अपनी आजादी का ख्वाब देख रहे थे, आज
उनके आज़ादी के ख्वाब चकनाचूर हो गए। और हम जिस जुर्म में शरीक हैं कि हमने कश्मीरियों को मायूसियों की तारीकियों की तरफ धकेल दिया, तो ऐसी सूरत हाल में आपने भी हम सब ने भी असर न सोचना है। आज हम एक नया मौजू उठा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पांचवां सूबा बना दिया जाए। बज़ाहिर तो बड़ी खूबसूरत बात है, पाकिस्तान को एक और सूबा मिल जाएगा, लेकिन 72 साल से कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौकफ का क्या बनेगा? लद्दाख हो, जम्मू हो, वादी कश्मीर हो, गिलगित हो, बल्तिस्तान हो, हमने अक्वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर के नक्शे दाखिल किए हैं, आप अपने ही दाखिल किए हुए उन नक्शों का क्या करेंगे जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार दिया गया है? और यहां आपके आजाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि गिलगित बल्तिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसके खिलाफ अपील हुई आप ही की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इस सारे पस मंजर को सामने रखते हुए अगर हम इस तरह की कोई कदम उठाने को जा रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौकफ में फर्क क्या होगा? ये तो हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये वो तनाजा इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इसका फैसला कश्मीरियों ने करना है। तो हमें बताया जाए कि हम कहां खड़े हैं, किस चौराहे पर हमने कश्मीरियों को लाकर खड़ा कर दिया है। 70 साल हमने उनके खून पे सियासत की, 70 साल हमने उनके माओं बहनों और बेटियों की किस्मतों पे सियासत की, 70 साल तक हमने उनके चेहरों से टपकता हुआ खून दुनिया को दिखाया और कहा कि हम इस कश्मीरी के लिए लड़ रहे हैं। अब इन हालात में हकायक बयान करना भी जुर्म है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे यहां जो धांधली ज़दा हुकूमत लाई गई है, इसके जिम्मे आलमी एजेंडे के तहत कुछ काम है। वही उसे पूरा करना है। सो हमने तो अव्वल रोज से इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया।
ये धांधली की पैदावार हुकूमत, और ये भी नहीं कि जिसने धांधली कराई है उसके बारे में हम कोई डावाडोल है उसका नाम नहीं ले सकते। डंकी की चोट कहते हैं तुमने धांधली की है। हम वाजे तौर पर अपना मौकफ रखते हैं, ये दिन तो गुजर जाएंगे, आने वाली तारीख तो लिखेगी कुछ। हम आने वाली नस्लों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। तुम्हारी तरफ से अजियतें बर्दाश्त कर लेंगे, तुम्हारा जबर बर्दाश्त कर लेंगे, तुम्हारे मजालिम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आने वाली तारीख के लिए सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो जंग है सो फिर जंग है। तुम आज हमारे खिलाफ जंग छेड़ रहे हो, हम पहले दिन से आपके खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। अगर आप भी जंग के मैदान में उतरने के ख्वाहिशमंद है, सत बिस्मिल्ला। हमने तो पहले से किश्तियां जलाई हुई, उलमाए किराम आपको बताना चाहता हूं, क़यामत के रोज जब उठो कम अज कम अपने अकाबरीन के सामने शर्मिंदा होकर न उठा करो। हमारे अकाबर ने आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, कम से कम आकाए नामदार तो बहुत बड़ी आजमत की बात है। कम से कम हजरत शेखुल हिंद के सामने मुंह दिखाने तो काबिल हो जाओ। इसलिए खौफ को करीब नहीं लाना, हमने लड़ना है इंशाअल्लाह, जुर्रत के साथ लड़ना है और इन पर साबित करना है कि तुम्हारी ये गीदड़ भभकियां काम नहीं आ सकेंगी। आज हमारे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का तो नामो निशान भी नहीं रहा, अफरा तफरी का आलम है, कोई नज्म जब्त नहीं। और उन कुव्वतों का कंट्रोल है कि जिनकी कोई आईनी और कानूनी जिम्मेदारी कंट्रोल करने की नहीं है। मुझसे तब पूछा जाए कि मैं कानून को हाथ में ले रहा हूं, अगर मेरे रियासती इदारे कानून को हाथ में न ले रहे हों। वो आईन को मुअत्तल करते हैं, उनके हाथों आईन मफलूज हो जाता है, कानून की कोई हैसियत नहीं उनकी नजर में। एक आमिर की तरह जो अपने जहन में आया वही कानून, जो किया वही कानून, जो बोला वही कानून। अगर इस तरह हमने पाकिस्तान में जिंदा रहना था तो फिर हमने आजादी की तहरीक किस लिए चलाई थी?
इसीलिए चलाई थी कि आमिराना सोच को कबूल नहीं करना है। आप हमें छोटी मोटी गिरफ्तारियों से डराते हैं, है आपने हमें पहचाना ही नहीं है। हमें ना आजमाया करो, हम बड़े महंगे पड़ते हैं। बेशक तुमने कुछ और लोगों को देखा होगा जिस पर आप हाथ डालते हैं तो वो झुक जाते हैं, यहां हाथ डालोगे तो अकड़ जाएंगे। पाकिस्तान मेरा घर है, पाकिस्तान मेरी रियासत है, मैं तुम्हें पाकिस्तान का वारिस नहीं समझता। तुम अमेरिका के कठपुतली हो और मैं आजादी मनुष्य एक इंसान हूं। ऐसी सूरत हाल में सोच समझ कर आगे बढ़ो। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम पुरमन शहरी हैं, लेकिन अगर आप हमें यह कहलवाना चाहते हैं कि ना हक को कि हक कह दो वरना फिर तुम मुजरिम, खुदा की कसम ये जुर्म तो करते रहे, इंशाल्लाह ये जुर्म होता रहे। तुम ना हक को हम पर मुसल्लत करो और हम उसको तस्लीम कर लें। और फिर हमें किससे डराते हैं पता है? आजकल अय्यूब खान के जमाने में एक कानून होता था, उसको DPR कहते थे, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स। वहां भी तो मुकदमा ही दर्ज होता था ना, कोई बहाना बनाकर जेल में डालते थे। भुट्टो साहब के जमाने में तो गिरफ्तारियां होती थी ना, तो वहां भी तो कोई कानून होता था। पब्लिक के सामने तो इस तरह शो करते थे कि उन्होंने फलाने कानून की खिलाफ वर्जी की और फिर रियासत हरकत में आई और फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और फलां गिरफ्तार हो गया। जियाउल हक साहब के जमाने में तो हम जेलों में थे, वहां भी तो कोई कानून का सहारा लेकर ही हमें गिरफ्तार किया जाता था ना। तो हम वहां पर घबराए हैं कभी? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं। हमने उनके कानून को भी जुल्म कहा, हम उनके जेलों को भी कबूल किया, लेकिन उनके कानून को कबूल नहीं किया। आजकल हमारे मार्शल लॉ का कानून क्या है पता है? नेब। तो जिस तरह हमने उस जमाने में जबर के कानून को तस्लीम नहीं किया, हमने आज भी तुम्हारे नेब को तस्लीम नहीं किया। और ये कोई पहली सीरीज नहीं है। ये जो सफेद रीस बैठे हुए हैं इनको याद होगा 1994-95 में मेरे खिलाफ एक सीरीज नहीं चली थी? कहाँ गए वो जायदादें मेरी? मैं अगर मुतालबा करूं कि वो जायदादें तो मुझे दे दो जो अपने उस जमाने मेरे पीछे लिखी थी, और आज भी मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको तोड़ तक पहुंचाऊंगा, घर तक पहुंचाऊंगा। मैं मीडिया चैनल को भी कहना चाहता हूं, मीडिया पर्सन को भी कहना चाहता हूं, एंकर्स को भी कहना चाहता हूं कि इस गदले पानी में हाथ ना डाला, अपना मुंह गंदा करो। तुम्हें किसी से वास्ता नहीं पड़ा था। तुम्हारा काम, रियासत का काम यह है कि वो शहरियों की किरदार कुशी करे। तो फिर हमसे तवक्को मत रखे कि वो मेरी किरदार कुशी करेंगे और मैं उसका एहतराम करूंगा। अब फिर क्या करेंगे वो? फिर असेंबली से कानून पास करेंगे, हमारी बे एहतरामी करना, इसका इतनी सजा होगी और इतनी सजा होगी। तुम काबिल एहतराम होते इस किरदार से तो तुम कानून सादी कराते।
जब पहले लोग आपके एहतराम करते थे उस वक्त कानून मौजूद था, सियासतदानों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में ठोसा जा रहा है नेप के वसादों से। ये शुक्र है कि हमने अव्वल दिन से माना ही नहीं। जब आईन पर नजरसानी हो रही थी मैं चीख रहा था उस कमेटी में कि इस नेप को खत्म करो, ये मुशर्रफ का इदारा है, ये एक डिक्टेटर का इदारा है। हमारी नहीं मानी गई। अब बेचारा शहबाज शरीफ सब भी जेल में है, उसके बेटा भी जेल में है, उसका भाई भी बाहर है, पीपल्स पार्टी वालों का भी यही हाल है। तो इस किस्म की चीजों पर हम इन गिरफ्तारियों को भी एक सियासी हथकंडा और हरबा समझते हैं। अगर शरीय अदालत कायम होती है तो फिर तो फौरन सवाल उठता है मुतवाजी अदालतें मुल्क में कायम हो गई। लेकिन जब नेब का इदारा बनेगा तो वो मुतवाजी अदालत नहीं है, बिल्कुल, जिसको तुमने सिर्फ सियासतदानों की किरदार कुशी और हिजब इख्तलाफ को दबाने के लिए बनाया है, जिसका काम ही यही है। तो फिर इससे हम तो नहीं डरेंगे इंशाल्लाह, हम तो एक एक का हिसाब लेंगे अब इंशाल्लाह। इस तरह नहीं है कि हम इस तरह मुल्क में गुलाम बनकर रह रहे हैं। हमने जिस घाट से पानी पिया है वो गुलामी को कबूल नहीं कर सकते। मैं रियासत में एक आजाद शहरी की हैसियत से और मोहतरम की हैसियत से जिंदा रहना चाहता हूं, और बखुदा बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग, बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मोहतरम समझता हूं। तो सीधे हो जाओ। तो हम तो पहले से सीधे हैं, और अगर बिगड़ोगे तो फिर, अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहां तुम्हारा वही हश्र हो जाएगा। उन्होंने तो बंदूक से जंग लड़ी ना, तो हम तो बंदूक से भी जंग नहीं लड़ेंगे। हम तो ऐसे ही तुम्हें मैदान में घसीटते चल गए। आप मुझे बताएं मेरे दोस्तों कि ये जो अभी FATF के तहत कानून साजी हुई है,